जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और यदि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है, यानी अभी भी आपने अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं दी है, तो मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए एक और मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, और यह मॉडल पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और आपकी वार्षिक परीक्षा दोनों ही परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, तो आज के इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और अभी तक आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं हुई है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय के कई मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही परीक्षाओं के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी करनी है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि यहाँ पर आप सभी जानते हैं, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का। अब यहाँ पर कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, जैसे निर्देश हैं, इन्हें भी आपको पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं के अनुसार आपको बोर्ड परीक्षा यानी अर्धवार्षिक परीक्षा हो या बोर्ड यानी वार्षिक परीक्षा हो, इन निर्देशों को जरूर पढ़ें और इन्हीं के अनुसार आप बोर्ड परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा दें। पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ और खंड ब। फिर तीसरा है, यहाँ पर खंड आ में यहाँ पर क्या होगा? खंड आ होगा का नहीं होगा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ में कितने नंबर के? 20 नंबर के 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और आपके यहाँ से 20 नंबर पक्के होंगे जब आप सभी प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से कहाँ पर OMR सीट में फिल करोगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगला है, यहाँ पर खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं। तो खंड आ के अंतर्गत जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही परीक्षाओं के लिए बेहतर और सबसे उम्दा प्रश्नों को इस वीडियो में, इस मॉडल पेपर में मैंने शामिल किया है। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, यहाँ पर सीमा रेखा एकांकी के रचनाकार हैं। दिए गए विकल्पों में से सीमा रेखा एकांकी के रचनाकार यानी लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई है सीमा रेखा एकांकी। और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके भी इन प्रश्नों का आंसर बताओ, ताकि आपको ये प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 है, नए मेहमान एकांकी के रचनाकार कौन है? यहां पर उत्तर क्या होगा? नए मेहमान एकांकी के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट जी के द्वारा लिखी गई है एकांकी नए मेहमान। प्रश्न संख्या 3 है, मेरे प्यारे बच्चों, वीर गाथा काल के कवि हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन से कवि हैं जो वीर गाथा काल के कवि हैं? उत्तर हो जाएगा चंद्र बरदाई जी। वीर गाथा काल जिसे आदिकाल के नाम से भी जाना जाता है, इस काल के कवि हैं और इनकी प्रसिद्ध जो है रचना, जिसे महाकाव्य कहा गया है, हिंदी का पहला महाकाव्य यानी प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? चंद वरदाई। तो कुछ प्रश्न ऐसे मैंने इस वीडियो में लिए हैं जिनका मैं अन्य भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रश्न संख्या 4 है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से कब सुशोभित किया गया? यानी हरिश्चंद्र को भारतेंदु हरिश्चंद्र
कब से कहा जाने लगा? तो उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सन 1800 कब से, सन 1880 ईस्वी में हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि यानी पदवी से सुशोभित यानी सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, कबीर के दोहों को नाम से जाना जाता है, कबीर के जो दोहे हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर साखी, हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पर जो चौथा विकल्प है यहाँ पर पद होगा, पर नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 है, भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? दिए गए विकल्पों में से उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों मंझन। मंझन जो हैं भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 मेरे प्यारे बच्चों, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर क्या होगा? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी जी। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सूर सागर हो जाएगा उत्तर, क्योंकि सूर सागर सूरदास जी की रचना है और सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। और मेरे प्यारे बच्चों अगला जो प्रश्न है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के कवि नहीं हैं? दिए गए विकल्पों में से कौन से कवि हैं जो आदिकाल के नहीं हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत जी। और ये किस काल के कवि हैं यदि प्रश्न आता है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी छायावाद या छायावादी युग के कवि हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 10, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आप लोग जानेंगे इसमें कौन सा अलंकार है। तो यह जो उदाहरण है श्लेष अलंकार का काफी प्रसिद्ध उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर पानी के तीन अर्थ हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 11, काव्य में जब वर्णों की आवृत्ति क्या हो शब्दांत अथवा प्रारंभ में बार बार होती है, यहाँ पर ये आप ध्यान देंगे ये गलत है। शब्दांत यानी शब्द के अंत में अथवा शब्द के प्रारंभ में बार बार होती है, तो वहां अलंकार होता है कौन सा? जब काव्य में या किसी उदाहरण में किसी भी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति शब्द के शुरुआत में या शब्द के अंत में, यानी शब्दांत का अर्थ होता है शब्द के अंत में और प्रारंभ यानी शुरुआत में हो, वहां होता है अनुप्रास अलंकार। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 12 है, जहां पर एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? यहां पर उत्तर हो जाएगा यमक अलंकार। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जहां पर एक वर्ण या अक्षर, मैंने आपको बताया जहां पर एक वर्ण हो या अक्षर, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, एक से अधिक बार आता है, एक से अधिक बार यानी दो बार तीन बार चार बार या कई बार आता है किसी शब्द के शुरुआत में या अंत में, और जहां पर मेरे प्यारे बच्चों यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा कोई एक शब्द हुआ, जैसे कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, आपने उदाहरण पढ़ा ही होगा, यमक अलंकार का प्रसिद्ध उदाहरण है। और इसमें क्या है? कनक कनक दो बार लिखा हुआ है और दोनों का क्या है? अर्थ अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जहाँ पर एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है।
प्रश्न संख्या, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 13 है, विद्यार्थी में समास विग्रह क्या होगा। तो विद्यार्थी का समास विग्रह क्या हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी, यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, विश्राम ग्रह में समास विग्रह क्या होगा। तो विश्राम प्लस ग्रह, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, विश्राम प्लस ग्रह यहाँ पर पहला ही विकल्प सही है। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देखेंगे 15 है, उसका विद्यालय कहाँ है। इस वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा, कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहिएगा। आप यदि चैनल के साथ जुड़ते हैं तो क्लास 9th की धुआंधार तैयारी कर सकते हैं हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय की, तथा कक्षा 10 के यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप सामाजिक विज्ञान, हिंदी, चित्रकला और ग्रह विज्ञान, इतनी विषयों की धुआंधार तैयारी कर सकते हो। अगला प्रश्न है, उसका विद्यालय कहाँ है। तो इस वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा, कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं वाक्य में क्या हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसमें लगेगा प्रश्नवाचक विराम चिन्ह यानी चिन्ह। अगला प्रश्न है, मयूर का तद्भव रूप क्या होगा। तो मयूर का तद्भव रूप हो जाएगा मोर। अगला प्रश्न संख्या 17 है, दुर्भाग्य का विलोम होगा, सौभाग्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 मेरे प्यारे बच्चों है, ग्रह सधन गेह किसके पर्यायवाची हैं। तो ग्रह सदन और गेह ये सभी घर के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, परम औषधि में संधि क्या है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गुण संधि। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, चतुर्थी विभक्ति है। तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति क्या है, संप्रदान कारक। अब इसके बाद आप देखोगे खंड बा, जिसमें 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर 21 का के अंतर्गत है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गद्यांश से पहला और इसका प्रश्न पहला ही है, उपर्युक्त गद्यांश का पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह गद्यांश गिल्लू शीर्षक पाठ से लिया गया है और इस पाठ के लेखक यानी लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा जी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया प्रस्तुत पाठ है गिल्लू, जहां से यह गद्यांश लिया गया है। अगला प्रश्न है, रेखांकित गद्यांश की व्याख्या। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। और अगला प्रश्न, गिल्लू की आंखें कैसी थी। तो इस तरह का जो प्रश्न आएगा इसका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, अथवा में यानी खा के अंतर्गत गद्यांश दिया गया है, धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव तुम ही मेरी चिंता करो। तो यह लिया गया है गुरु नानक देव शीर्षक पाठ से और इस पाठ के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया पाठ है गुरु नानक देव। और इस गद्यांश के नीचे भी तीन प्रश्न हैं, लेकिन आपको क्या करना है, किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए तीन प्रश्नों का ही उत्तर देना है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 22 का है, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों पद्यांश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राम नाम के पट तरे दे बे कौ कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिये होश रही मन माही। मेरे प्यारे बच्चों यह जो पद्यांश है किस पाठ से लिया गया है, साखी शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि साखी शीर्षक पाठ के अंतर्गत जितनी भी साखियां हैं सभी से रिलेटेड वीडियो मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में पहुंचा दिया है, यानी मौजूद करा दिया है। आप लोग देख सकते हैं, अपनी नोट्स बना सकते हैं, अपनी धुआंधार तैयारी भी कर सकते हैं। और इस पाठ के रचनाकार कबीरदास जी हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अथवा के अंतर्गत पद्यांश है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो यह पद्यांश लिया गया है पंचवटी, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पंचवटी शीर्षक पाठ से रचना
रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है रचनाकार? मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा यह पाठ लिखा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न अगला है 23 का के अंतर्गत निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए और प्रश्न का जो उत्तर देंगे आप, इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण गद्यांश हैं संस्कृत खंड के। पहला है गद्यांश श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्यां तिथो मथुरायाम अभवत। यह लिया गया है कृष्णा गोपाल नंदना शीर्षक पाठ से लिया गया है गद्यांश। दूसरा है गद्यांश यहाँ पर स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेश हुगली प्रदेशस्य कामार पुकुर स्थाने 1836 खिताब्दे अभवत। यह लिया गया है परमहंस। आप लोग ध्यान देंगे, परमहंसा राम कृष्णा शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा हुआ है कि इसका आपको करना क्या है, हिंदी अनुवाद। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे अथवा में जो गद्यांश है देर इम्पोर्टेंट है, और यह किस पाठ से लिया गया है, परमहंसा रामकृष्णा शीर्षक पाठ से लिया गया है। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देखेंगे अगला है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। पहला है पद्यांश अस्तो मां सदगमय, तो यह लिया गया है वंदना शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दूसरा वाला पद्यांश है अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत। यह किस पाठ से है? तो सुभाषितान। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सुभाषितान शीर्षक पाठ से लिया गया है यह श्लोक। जो प्रश्न संख्या 24 है, यहाँ पर दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, तो 5 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के शीर्षक की उपयुक्तता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है और 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर 25 का है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना होगा, उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखना है, 4 नंबर आपको मिलेंगे। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखना है, और 4 नंबर यहां भी आपके पक्के हो जाएंगे। प्रश्न अगला है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। प्रश्न संख्या 27 है, यहां पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, तो 4 नंबर के प्रश्न आएंगे संस्कृत के। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से संस्कृत के प्रश्न आएंगे, यहां पर आपको मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, हाथों हाथ उठा लेना, अंत भला तो सब भला, अकल बड़ी या भैंस। किसी एक का आपको अर्थ बताना है और वाक्य प्रयोग भी करना है, 2 नंबर आपको मिलेंगे। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 4 नंबर यहां से आपको मिलेंगे जब आप किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करोगे। प्रश्न संख्या 30 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अस्वस्थ होने के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को कैसे सूचित करेंगे। अथवा में प्रश्न है, प्रधानाचार्य को पत्र आकस्मिक अवकाश है तो एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो इनसे रिलेटेड वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, आप लोग देख भी सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। और मेरे प्यारे बच्चों, किसी एक प्रश्न का उत्तर करना होगा, 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।